बीजेपी की पांचवी लिस्ट आज होगी जारी। सीईसी ने फाइनल किए 92 उम्मीदवारों के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। बीजेपी ने 136 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी पांचवी लिस्ट में बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी। आज बीजेपी लिस्ट घोषित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की 94 सीटों में से 92 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। इन सीटों पर किसी अन्य केंद्रीय मंत्री या मौजूदा सांसद को मैदान में उतारने की संभावना नहीं है। वहीं इस लिस्ट में शिवराज कैबिनेट के 2 मंत्रियों का टिकट कट सकता है। पीएम मोदी ने तय किए नाम। मध्य प्रदेश की 94 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार देर रात चली। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में खुद पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान केंद्रीय चुनाव समिति ने जो नाम फाइनल किए थे उस लिस्ट को पीएम मोदी को दिखाया गया और उसके बाद पीएम मोदी ने हर एक सीट पर समिति के सदस्यों से चयनित नामों को लेकर बातचीत की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है टिकट। संभावना जताई जा रही है कि इस लिस्ट में शिवराज कैबिनेट के कुछ मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इस लिस्ट में देखने को मिल सकता है। फिलहाल 94 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। अब किसका नाम हो सकता है और किसका टिकट कट सकता है, उसके लिए सूची आने तक का इंतजार करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।